बराक सफरत आसाम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया शनिवार तीन दिन व्यापी शनबिल उत्सव शुभ सूचना करें। शनबिल उत्सव उपलक्षे करीमगंज शनबिले आयोजित अनुष्ठने अंशग्रहण करें राज्यपाल। प्रदीप प्रज्वलन माध्यम शनबिल उत्सव सूचना करें राज्यपाल कटारिया। एशियार द्वितीय बृहत्तम जलाशय शनबिल के पर्यटन स्थल हिसाब से गढ़े तुलते और शनबिल उन्नयन शनबिल उत्सव आयोजन कर आसाम विश्वविद्यालय। এতে আর্থিক সহায়তা করেছে কেন্দ্রের ডোনার মন্ত্রক। এদিকে শনবিল উৎসবে সূচনা করে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া বলেন, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয় শনবিলের উন্নয়ন জরুরি। শনবিলকে পর্যটন স্থল হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন বলে জানান। এদিকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজীবমোহন পান্ত বলেন, শনবিলের উন্নয়নের জন্য আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে তিন দিবসীয় শনবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি প্রদর্শনী স্টল এসব থাকবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা, ডোনার মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারি অংশুমান দে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মানবেন্দ্র দত্ত চৌধুরী প্রমুখ। এদিকে শনবিল উৎসবে যোগ দেওয়ার আগে জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন রাজ্যপাল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ খবর নেন। পরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া জানান, বিগত বছরের তুলনায় এবার সরকারি প্রকল্প বেশি কার্যকরী হয়েছে। জেলার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কিছু অংশে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া বাকি আছে, যা শীঘ্রই কার্যকর করা হবে। শনবিল ফেস্টিভ্যাল পহলি বার হো রহা হ্যায় বরাক র্যালি মে আর আজ ইসকা শুভারম্ভ করনে কে লিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় আয়েঙ্গে। ये 24, 25 और 26 भी हमारा आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसी के तहत हमने सोचा कि ये जो इतना सुंदर जगह है, नैसर्गिक प्लेस है शनबिल, इसके लिए हम कुछ प्रयास करें। और मुझे बहुत खुशी है कि इसका हमें सभी जगह से सहयोग मिला इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। उम्मीद है कि ये तीन दिन का प्रोग्राम एक ऐतिहासिक इवेंट में परिवर्तित होगा और इसको हम हर वर्ष करना चाहेंगे। और यहाँ के लिए मैं खास तौर से हमारी जो टीम के प्रोफेसर मानवेंद्र जी हैं और उनके साथ जो हमारी पूरी यंग ब्रिगेड लगी है आसाम विश्वविद्यालय की, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो आप देख रहे हैं ये सब उन लोगों की वजह से हो पा रहा है। ये हमारा एक एनुअल फेस्टिवल रहेगा, हर साल हम इसको यहाँ पर करना चाहेंगे ताकि जो हमारी बराक वैली की सांस्कृतिक समृद्धता है वो उजागर हो पूरे विश्व के सामने। दो सीजन में दो टाइप का मिलता है शनबिल, एक तो पानी वाला और एक ऐसे ग्रीनरी। यहाँ पे बहुत सोर्स भी है, यहाँ पे आसपास के जो आदमी है सारे आदमी लेकिन गरीब आदमी है और विशेष करके डिपेंड करते हैं मछली पर। यहाँ चारों तरफ सराउंडिंग में आदमी है, सभी ज़्यादातर एससी कम्युनिटी का, शेड्यूल कास्ट का, और उन लोग का व्यवसाय ही है कि मछली मारे और बेचते हैं। और सबसे अच्छा बात है कि यहाँ पे मछली छोड़ा नहीं जाता है, नेचुरली मछली आ जाती है। कहाँ से आते हैं भगवान जाने, कोई छोड़ता नहीं है मछली। जब बारिश हो जाएगा तब मछली मारना चालू हो जाएगा। अब रोज इतना सभी देवियों सज्जनों, सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो मैं हूं। मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूं कि वास्तव में आज मेरी इस लंबी उम्र में पहली बार कोई ऐसी जगह देख रहा हूं जहां प्रकृति ने किस रूप में आपको सजा करके दी है। वास्तव में उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रकृति ने भी चारों तरफ से इसको इतना खूबसूरत बनाया है कि जो भी आएगा उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। पर आने के लिए जो साधन चाहिए वो डोनर विभाग इस बात को देखे, केंद्र में हमारी आवश्यकता हो तो हमें भी बुला लो, हम भी वहाँ आकर के फेरी करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी को भी साथ ले आएंगे। ये हम चाहते हैं यहाँ लोगों का पहुँचने के लिए एक विशेष प्रकार की सुविधाओं से ये स्थान कैसे जुड़े, इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। मैंने पहली बार समझा है कि ये दिन जैसे ही मार्च का महीना आएगा और बारिश शुरू होगी वैसे ही भर जाएगी और भरेगी भी वैसे। आपने कहा ना मीठी पानी की झील, एशिया में एक तो मेरे यहाँ है उदयपुर में जैसमंद झील है जो मीठे पानी की दुनिया की नंबर एक की झील है, और दूसरी ये जो है शनबिल वाला जो उत्सव है
ये निरंतर हो, इसके लिए कोई एक अच्छी मजबूत कमेटी का गठन करें, लोगों को इसका मेंबर बनाएं और मेंबर बना करके इसको स्वयं को भी आर्थिक दृष्टि से इतनी सशक्त करें कि केवल और केवल ये 3 दिन का ही कार्यक्रम नहीं करे तो साल में और कई फंक्शन के साथ जोड़ा जा सकता है। जो कुछ भी मैं इसमें देख रहा था कि हमारे यहाँ के लोग किस तरह से मछली का आकेट कर रहे हैं, झील में घूम करके और मछलियाँ पकड़ने, और जैसा आपने कहा कि केवल ये मछली का व्यवसाय पूरा आसाम को भी सप्लाई करता है यहाँ से, और जितनी वैरायटी की मछली यहाँ होती है, जैसा आपने कहा कहाँ से आती है हमें पता नहीं है, कोई कोई अदृश्य शक्ति है जो पता नहीं धरती में से किस तरह से उत्पन्न करती है और कैसे वो तैयार होती है, ये तो है, लेकिन उससे भी आपको लगता है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था है।